त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा, वहीं मेघालय और नागालैंड में एक साथ 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होना है वे बेहद छोटे राज्य हैं, लेकिन यहां चुनाव कराना बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम दिल्ली में बैठकर यह नहीं समझ सकते हैं कि चुनाव कर्मियों को किन चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इन तारीखों के साथ आंकड़ों पर भी मंथन शुरू हो गया है। अगर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2018 में त्रिपुरा में सत्तारूढ़ माणिक सरकार को हटाकर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। राज्य की 60 सीटों पर भाजपा ने कुल 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के लिए यह एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। यहां सीट जीतने के लिए भाजपा को शून्य से शिखर तक का सफर तय करना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा ने IPFT के साथ मिलकर कुल 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं CPM को केवल 16 सीटों पर ही जीत मिल सकी। दूसरी तरफ नागालैंड में भी BJP ने विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया था। हालांकि बहुमत नहीं मिलने पर BJP ने यह NDP के साथ गठबंधन किया था। राज्य में भाजपा और NDP ने मिलकर 27 सीटों पर कब्जा किया था। इसके उलट मेघालय में सत्तारूढ़ कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इसके पास बहुमत नहीं था। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।